नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28, 29 और 30 जनवरी की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, के साथ बात करते हैं यश में। घरों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उद्धत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 28 जनवरी की बात करें तो दोस्तों ये दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और दोस्तों ये दिन ज्येष्ठा नाम का नक्षत्र रहेगा। वहीं दोस्तों, इन दिन योग की बात करें तो दोस्तों ये दिन ध्रुव नाम का शुभ योग और इसके उपरांत इस दिन व्याघात नाम का भी शुभ योग रहने वाले हैं। दोस्तों, इन दिन राहु कल के समय सुबह के 11:17 से लेकर दोपहर के 12:39 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें और दोस्तों चंद्रमा दिन वृश्चिक राशि के उपरांत धनु राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो शनिवार का दिन होगा, द्वादशी तिथि, मूल नाम का नक्षत्र और शादी हर्षण नाम का शुभ योग रहेगा। राहु काल के समय सुबह के 9:55 से लेकर सुबह के 11:18 रहेगा और चंद्रमा धनु राशि पर ही संचार करेंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन 30 जनवरी की बात करें तो दोस्तों इस दिन रविवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, पुरुषाढ़ा नक्षत्र और साथ ही इस दिन वज्र नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। राहु काल के समय दिन शाम के 4:46 से लेकर शाम के 6:08 रहेगा और चंद्रमा दिन धनु राशि के उपरांत मकर राशि में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में आप जीवन के रहस्यों का पता लगाने के लिए सामान्य से अधिक इच्छुक हैं। दोस्तों, यह एक विशेष रूप से आत्मनिर्भरता का समय होगा दोस्तों, जिसके दौरान आपको अपनी व्यक्तिगत ताकत और प्रतिभा को सही ढंग से उजागर करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपको अपने जुनून को जो है जीवित रखने की जरूरत है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, घर के उन मामलों पर आप ध्यान दें जिन्हें जो है टाला नहीं जा सकता। उन आध्यात्मिक मार्गों से जुड़ने के लिए समय निकालें जो आपको जो है सक्षम बनाते हैं। दोस्तों, यह समय प्रकृति में बिताया गया समय उस आंतरिक शांति को फिर से स्थापित करने में उपयोगी होगा जिसके आप इच्छुक हैं। दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे, अपनी इच्छा शक्ति से परिस्थितियों पर विजय पाने का समय होगा। दोस्तों, आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती है लेकिन अगर आप जो है पूरे विश्वास के साथ इसका सामना करते हैं तो दोस्तों आपको जीत मिल सकती है। कुछ मामलों में जो है ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा गुस्सा या फिर नाराजगी जाहिर करनी पड़ सकती है, लेकिन दोस्तों इस तरह के जो व्यवहार हैं आप जो है इस तरह दोनों परिस्थितियों में विजय पा सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपका दिन होगा आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपके करियर के मामले में आप अपने वाक चातुर्य से अपने जो है बिगड़े कामों को पूरा कर सकते हैं। अपने जो है वाणी के चलते आप यश में अपने काम को पूरा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यश में आप जो है जल्दबाजी न करें और अपने कामों में होने वाले लाभ हानि पर विचार करके आगे बढ़ें। कार्य में कोई जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप इन दिनों में बचें। आपके नम्र और कुशल व्यवहार से आपको इन दिनों में लाभ होगा। साथ ही दोस्तों, यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय प्यार और सेक्स के रहस्यों की खोज करने की आपकी इच्छा बढ़ सकती है और इस समय आप अपने आपको सामान्य से अधिक प्रभावशाली महसूस करेंगे। ये इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता और प्रगाढ़ होगा। जो लोग किसी नए रिश्ते में हैं वे साथी के आत्मसम्मान का ध्यान रखें। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे, आपके सेहत के मामले में आपको पैरों में चोट लग सकता है
वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों वहीं इसमें यदि आप नशीली चीज का सेवन करते हैं तो उसे छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर आपको इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 4। दोस्तों यश में गणेश जी कहते हैं कि आप अधिक ध्याय लक्षी बनेंगे। आप हर एक कार्य जो है व्यवस्थित रूप से करना यश में जो है पसंद करेंगे। साथ ही दोस्तों यश में परिवार और ऑफिस में आपसे अपेक्षाएं रखी जाएंगी, इसलिए जो है उन पर काम का अधिक दबाव न पड़े या देखने का भी काम आप ही का होगा। साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें, दोस्तों यश में आप महसूस कर सकते हैं कि जहां पर आप अभी हैं वहां से अपने करियर को आगे ले जाने के लिए आपको जो है कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों आप अधिक प्रयास करने की यश में कोशिश कर सकते हैं। आप कुछ नई जो है अंतर्दृष्टि लाना यश में पसंद कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों धीरे धीरे लेकिन लगातार आप अपनी जो है दक्षता बनाए पाएंगे। शादी दोस्तों वहीं पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों यश में गणेश जी को लगता है कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को जो है संतुलित करने के लिए आपको एक निश्चित समय निर्धारित करना होगा। दोस्तों आपको अपने पीर की आवश्यकताओं की चिंता रहेगी और आपका सहानुभूतिपूर्ण रवैया आपके पीर को खुश कर देगा। दोस्तों यश में आप अपने पीर के साथ एक नया जो है गंतव्य तलाशने के मूड। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों इन दिनों में कार्यवाही करने के बजाय जो है आपको रिसर्च करने के पीछे कुछ समय लगाना चाहिए। आपको मार्केट में उपलब्ध चीज़ों और उनकी कीमत के बारे में अच्छी तरह से पता लगाना चाहिए। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आपको अपने दिमाग को आराम देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य है। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि चीज़ों पर अत्यधिक तर्क लागू न करें, बस शांत रहें और आराम करें। यदि आप ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते हैं तो ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलने का प्रयास करें। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपका तेज काम आपको प्रेरित करेगा। सफलता हासिल करने के लिए समय के साथ अपने विचारों में बदलाव लाएं, इससे आपका दृष्टिकोण व्यापक होगा, समझ का जो दायरा है यह समय बढ़ेगा। दोस्तों इन दिनों में व्यक्तित्व में जो है आपका निखार आएगा और दिमाग यश में आपका विकसित होगा। साथ ही दोस्तों इन दिनों में आपका बचाए धन आपके काम आ सकते हैं, इसके साथ ही इसके जाने का आपको दुख भी होगा। वहीं दोस्तों यश में आपके जीवन साथी की लापरवाही संबंधों में दूरी बढ़ा सकती है। साथ में अपना कीमती समय बिताएं और मीठी यादों को फिर से ताज़ा करें ताकि पुराने दिनों को फिर से वापस लाया जा सके। दोस्तों इन दिनों में लंबे वक्त से चले आ रहे झगड़े को आप सुलझा लें, क्योंकि हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए। नई जो है साझेदारी करने के लिए जो दिन है फलदायी रहेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपको खाली वक्त का सदुपयोग करना चाहिए। उन कामों को पूरा करने की आप कोशिश करेंगे जो बीते दिनों में आप पूरे नहीं कर पाए थे। साथ ही दोस्तों यश में आप वैवाहिक जीवन में कुछ निजता का महसूस कर सकते हैं। दोस्तों यश में आप ध्यान योग मेडिटेशन करने से आपका पारिवारिक जीवन जो है अच्छा रहेगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, अगर आप नौकरी नहीं मिलने से परेशान हैं या फिर आपके पास नौकरी है और आपके ऑफिस में कुछ परेशानियां चल रही है तो दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बहुत ही आसान उपाय बताएंगे। यश में आप कुछ दिनों के लिए मीठे चावल कौवे को खिलाएं। दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही आसान उपाय है कि आप कुछ दिनों तक मीठे चावल कौवों को खिलाएं। दोस्तों जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा और आपकी नौकरी में आपके व्यापार में जो भी उलझने चल रही है दोस्तों वो समाप्त होंगी और आपके कार्य जो है गति में आएंगे। तो दोस्तों इन दिनों में इन समयों में आप इन उपायों को कर सकते हैं। यश में बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा और इन उपायों को करने से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं खत्म होंगी और आपको नौकरी भी प्राप्त होगी। तो दोस्तों यश में इन उपायों को